हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है, ये देख लीजिए, सैमसंग M01। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे इसका दोस्तों फोल्डर कैसे रिप्लेस किया जाता है, फोल्डर की कॉस्ट क्या पड़ती है और किन किन आप बातों का आपको ध्यान रखना है फोल्डर लगाते टाइम, अगर टच ख़राब है तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ जानेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग से लेके नई नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ़ोन को आपको डिसेंबल करना है, सिंपली ये पीछे का बैक पैनल निकालना है, उसके बाद आपको यहाँ से फोल्डर निकाल देना है इसका। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको सारी वीडियोज़ में बताता हूँ, आपको सिंपली अगर इसकी टच टूटी है तो आप टच चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका डिस्प्ले में प्रॉब्लम है तो आप फिर आपको फोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली दोस्तों इसका आपको फोल्डर निकाल देना है। ये देख लीजिए दोस्तों हमने फोल्डर निकाल लिया है और अब हम नया फोल्डर दोस्तों चेक करेंगे। इसमें पहले लगाने से पहले दोस्तों जब भी आप नया फोल्डर लगाते हो या टच लगाते हो तो आपको चेक जरूर कर लेना है। मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में दोस्तों ये बताता हूँ कि आपको जब भी फोल्डर लगाते हो तो आपको चेक जरूर कर लेना है। ये हमारे पास इसका नया फोल्डर है, ये देख लीजिए। तो अब हम चेक करेंगे इसको। तो ये फोल्डर हमने लगा दिया है दोस्तों, तो और उसके बाद अब हम चेक कर लेंगे इसको, ये सही चल रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद ही इसे दोस्तों पैक करेंगे। दोस्तों इसमें जो चार्जिंग और वाइब्रेटर स्पीकर का जो कनेक्शन है वो डिस्प्ले के पत्ते में है, ये यहाँ से इधर डिस्प्ले के पत्ते में आता है, फिर ये यहाँ है, तो ये ओपन हो गया है।
तो दोस्तों ये देख लीजिए पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। तो अब हम इसे सिंपली फोल्डर को लगा देंगे। तो दोस्तों अब फोल्डर चेक करने के बाद आपको फोल्डर निकाल के फिर आपको इसमें ग्लू डाल देना है। पूरी तरह अच्छे से दोस्तों ग्लू अच्छे से चारों तरफ डालने के बाद आपको सिंपली फोल्डर लगा देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपल से पीछे के पत्ता लगाना है, आगे बैटरी का पत्ता और डिस्प्ले का पत्ता लगाना है और को अच्छे से पैक कर देना है। तो दोस्तों अच्छे से पैक करने के बाद आपको एक बार ऑन करके देख लेना है। तो ये ऑन हो चुका है हमारा फोल्डर फोन। और उसके बाद इसमें टेपिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये देख लीजिए। तो आपको सिर्फ दोस्तों जल्दी से फोल्डर चेक करना है, उसके बाद इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको ऑफ कर देना है ताकि दोस्तों जो ग्लू है वो डिस्प्ले के अंदर ना जाए। अगर ज़्यादा
कभी कभी बाई चांस ग्लू जो है एक्स्ट्रा भी लग जाता है, तो उसकी वजह से डिस्प्ले में भी जाने का खतरा रहता है, तो आप तुरंत इसको ऑफ कर दीजिए। और पूरी टेपिंग कर लीजिए और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।